हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओतंग एजुकेशन माई सेल्फ अमन। तो देखिए, आज की इस वीडियो के अंदर अपने करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2। बुक है आपकी स्मार्ट मैथ्स फॉर क्लास 7 और चैप्टर है आपका सिंपल इक्वेशन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले इसका थोड़ा बहुत अपने बेसिक देखते हैं। तो एक्सरसाइज 4.1 के अंदर हमने क्या सीखा था, हमने सीखा था कि जो स्टेटमेंट्स हैं उससे इक्वेशन कैसे प्रिपेयर करते हैं। अब सिंपली अगर अपने बात करें इक्वेशंस की, तो इक्वेशंस के अंदर देखिए दो पार्ट और तीन पार्ट होते हैं। सबसे पहले एक तो होता है आपका लेफ्ट हैंड साइड पार्ट, जो आपका लेफ्ट में होता है। एक होता है इक्वल टू का साइन, ये साइन को हम क्या बोलते हैं, इक्वल टू। और एक होता है आपका राइट हैंड साइड। ठीक है, अब यहां पर देखिए, आपने आप कभी सब्जी लेने गए हो तो आजकल तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक कांटे आ गए। पहले की जो दूसरा आपका वेटिंग स्केल आता था उसके अंदर क्या होता था, एक तरफ तो वो यहां पर एक स्केल लगा होता था, ठीक है, और एक तरफ ऐसे कुछ होता था। ठीक है, अब यहां पर वो वेट रखते हैं, मान लीजिए यहां पर वेट रखा 1 kg का, ठीक है, और यहां पर मान लीजिए आपने आलू लिए, ठीक है, पटेटो लिए मतलब, तो यहां पर मैंने क्या कर दिया, पटेटो पुट कर दिए। ठीक है, अब ये जो बीच में स्केल है ये सेंटर पे कब आता था, जब यहां पर हम 1 kg जो वेट है इसके इक्वल हो जाता था। ठीक है, तो अब इसी को अपने मेजरमेंट कर सकते हैं ये लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से। ठीक है, कि लेफ्ट हैंड साइड में तो आलू पड़े हैं और राइट हैंड साइड में आपका मेजरिंग जो 1 kg का जो यहां पर वेट पड़ा है जिससे कि हम उसको मेजर कर रहे हैं कि वो 1 kg का वेट है। ठीक है, अब यही अगर मैं देखूं कि यहां पर मैंने ऐड कर दिया 200 ग्राम्स का एक और वेट, ठीक है, तो मुझे उतने ही 200 ग्राम्स के जो है यहां पर आलू जो है और डालने पड़ेंगे, है ना। तो यहां पर इससे हमसे क्या हमको सीखने को मिल रहा है कि इक्वल टू के दोनों तरफ जो है इनकी वैल्यू हमेशा इक्वल रहेगी। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में ऐड कर देता हूं 2, ठीक है, तो मुझे राइट हैंड साइड में भी ऐड करना पड़ेगा 2। क्यों, फॉर इक्वेटिंग दिस इक्वेशन, है ना, मतलब इन दोनों की वैल्यू को इक्वल करने के लिए मुझे जो लेफ्ट हैंड साइड में अगर मैं 2 ऐड कर रहा हूं तो राइट हैंड साइड में भी मुझे 2 ऐड करना पड़ेगा। यही केस होगा सब्ट्रैक्शन के लिए, अगर मैं यहां पर कर रहा हूं माइनस तो वहां पर भी इक्वेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो अगर मैं दोनों साइड में सेम टर्म्स रखता हूं तो आपकी जो इक्वेशन है वो क्या रहेगी, बिल्कुल सही रहेगी और इक्वल रहेगी, उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, देखिए सिस्टमेटिक मेथड। इस सिस्टमेटिक मेथड से हम इस क्वेश्चन को जो है उनको सोल्व करेंगे। उसके बाद देखिए, अगर अपने बात करें, एक इक्वेशन है जैसे कि एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 7। ठीक है, अब इसको अगर अपने हिडन ट्रायल मेथड से करें तो मुझे पता है, देखिए अब यहां पर 7 है और यहां पर 2 है, तो 2 में मैं क्या ऐड करूं कि मेरे पास यहां पर 7 आ जाए, 5 ऐड करने पर यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा, 7। सो हेंस x इज इक्वल टू 5। तो यहां पर x की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। तो अब इस 5 को अपने क्या करते हैं, चेक करते हैं। ठीक है, चेक कैसे करेंगे, यहां पर वैल्यू पुट करके। सो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, ठीक है, x की जगह पुट किया 5 + 2, इट मीन्स 7, हेंस इट सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। इसका मतलब क्या हो गया, जब अपने x की या y की जो वेरिएबल होता है ना, वेरिएबल होता है, इसकी वैल्यू पुट करने पर अगर वो राइट हैंड साइड या फिर देखिए मान लीजिए लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड की वैल्यू के बराबर आ जाए तो वो जो वैल्यू है वो क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है, अदरवाइज ये सेटिस्फाई नहीं करेगी। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ अपने स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अब यहां पर आपको क्या बताना है, चेक वेदर द गिवन वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज द सॉल्यूशन ऑफ अ गिवन इक्वेशन, कि ये सॉल्यूशन है या नहीं है। तो सिंपली मुझे क्या करना है, आई एम टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लिया, पुटिंग वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है, एक्स की मैंने पुट कर दी। तो यहां पर देखिए लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, इक्वल दिया 5, वाई एक्स की वैल्यू 5 है, सो 5 - 3 आपके पास क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में तो आ गया 2 और राइट हैंड साइड में क्या है, 8। सो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो यहां पर आपका आंसर आ जाएगा नो। ठीक है, कि जो एक्स की वैल्यू 5 है ये सेटिस्फाई नहीं कर रही है।
बात करते हैं बी की, तो बी के अंदर सिंपली वैल्यू पुट करते हैं, देखिए 2 × −2 − 2 + 3, ठीक है। ये यहां पर किस में पुट की हमने, लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू पुट की। तो यहां पर देखिए 2 × −2 ये हो गया −4 + 3, सो −4 + 3 ये हो गया माइनस का 1। तो यहां पर देखिए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यहां पर आपका जो आंसर आएगा यस आएगा, इट मींस ये वैल्यू जो है इसका सॉल्यूशन है। बात करें सी पार्ट की, तो सी पार्ट के अंदर देखिए यहां पर -3 है, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे वैल्यू पुट करते हैं 3 × −3 − 2 इज इक्वल टू −11, ठीक है। −3 × 3 ये हो गया आपके पास −9 −2, ठीक है, आपको सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड लेना है। −9 −2 ये हो गया −11, हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहां पर भी आपका आंसर क्या आ जाएगा, यस आ जाएगा। बात करते हैं अपने डी पार्ट की, तो यहां पर वैल्यू पुट करनी है पी की। सो देखिए लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हम 3 × 5 + 7 इज इक्वल टू 21। सो 3 × 5 होता है आपके पास 15 + 7, ठीक है। हमने यहां पर लेना क्या है, लेफ्ट हैंड साइड ही लेना है। तो यहां पे देखिए 5 15 + 7 ये आपके पास हो गया 22, 15 + 7 आपके पास क्या हो गया 22। तो यहां पर आपका आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, नो, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। बात करते हैं नेक्स्ट ई पार्ट की, यहां पर वाई की वैल्यू पुट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, देखिए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 7y + 2, यहां पर वैल्यू पुट करते हैं 7 × −5 + 2, 7 × −5 हो गया −35 + 2, −35 + 2 ये हो जाएगा −33। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यहां पर आपका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, यस आ जाएगा। नेक्स्ट अपने बात करते हैं एफ पार्ट की, तो यहां पर देखिए 7 − 3p इज इक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हम यहां पर, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 7 − 3 × 2, ठीक है। सो 7 × −3 + 2 ये हो गया −6, 7 − 6 हो गया आपके पास 1। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यहां पर भी आपका आंसर क्या हो गया, यस हो गया। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड चेक द सोल्यूशन। इसको सोल्व करना है और इसको आपका सोल्यूशन भी जो है चेक करना है, तो सोल्यूशन भी चलिए चेक कर देंगे। देखिए क्या है, एक ही बात करते हैं, ठीक है। अब इसको अपने किस मेथड से करना है, सिस्टमेटिक मेथड से करना है, जो कि अपने अभी सीखा था। तो यहां पर देखिए एलिमिनेट आपको क्या करना है, आपको एलिमिनेट करना है जो कि वेरिएबल की साथ की वैल्यू है उन्हें आपको एलिमिनेट करना है, ठीक है। सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन क्या है, −12 = x + 5, तो यहां पर हम क्या करेंगे, देखिए इस 5 को रिमूव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 5 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, सब्ट्रैक्टिंग 5 बोथ साइड्स, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो यहां पर हो जाएगा −12 − 5, यहां पर हो जाएगा x + 5 − 5। तो यहां से देखिए +5 से −5 कैंसल, और x इज इक्वल टू आ जाए आपके पास आ जाएगा −17। अब ये x की वैल्यूज −17 आपके पास आ गई, अब ये चेक करनी है आपको। तो यहां पर देखिए आप वैल्यू कहां पुट करेंगे, वैल्यू पुट करते हैं राइट हैंड साइड में, ठीक है। तो यहां पर देखिए x + 5 है, x की वैल्यू पुट करी −17 +5, −17 + 5 आपके पास हो जाएगा −12, एंड ये आपका क्या हो गया, चेक्ड हो गया, और ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। ये आपको क्या करना था, यहां पर चेक करना था, ठीक है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं बी पार्ट की, तो बी पार्ट में देखिए क्या है यहां पर आपके पास, देखिए यहां पर आपको रिमूव क्या करना है इस एक्स के पास से, तो यहां पर हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग 3 बोथ साइड्स, ठीक है।
तो यहां पर देखिए आपके पास क्या हो जाएगा, 10 माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 माइनस 3, ये प्लस 3 से -3 कैंसल, 10 माइनस 3 7, तो यहां से आपके पास एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 7 आ गई। ठीक है, अब यहां पर अपने इसको करते हैं चेक। चेक करने के लिए हमें लेना पड़ेगा राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड है आपके पास एक्स प्लस 3, एक्स की वैल्यू हमने फाइंड की 7 प्लस 3 इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो हेंस एक्स इज इक्वल टू 7 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट अपने बात करते हैं सी पार्ट की। तो यहाँ पर देखिए क्या है, -x -5 इज इक्वल टू, देखिए -x इज इक्वल टू -5 प्लस 7। ठीक है, तो यहां पर देखिए सबसे पहले तो हम इसको सोल्व कर देते हैं, ये तो हो गया -x इज इक्वल टू -5 प्लस 7, आपके पास आ जाएगा +2। अब यहां पर देखिए माइनस की एक्स की वैल्यू है, हमें चाहिए होती है हमेशा पॉजिटिव वैल्यू, तो इसलिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग -1 बोथ साइड। ठीक है, तो -x इंटू -1 इज इक्वल टू 2 इंटू -1, तो यहां पर देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, -2। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास यहां पर क्या आ गई, -2। तो अब अपने इसको चेक भी कर लेते हैं, देखिए चेक करेंगे यहां पर पुटिंग, देखिए एक्स की वैल्यू यहां पर अपने पुट कर देते हैं, तो यहां पर देखिए सिंपली माइनस इंटू माइनस, देखिए लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं, -x। ठीक है, तो यहां पर -(-2), तो ये हो गया आपके पास 2, और जब आप राइट हैंड साइड को सोल्व कर रहे हैं तो आपके पास क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो यहां पर आपके पास क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सिंपली ऐसे आपको जो है इसको चेक करना है। ठीक है, नेक्स्ट अपने बात करते हैं पार्ट डी की। तो यहां पर देखिए क्या है आपके पास, 3y इज इक्वल टू -18, तो यहां से हमें 3 रिमूव करना है, तो मैं क्या करूंगा, डिवाइडिंग 3 बोथ साइड्स। ठीक है, तो यहां पर आपके पास 3y/3 एंड -18/3, सो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास हो जाएगा वाई इज इक्वल टू, ये जाएगा 6 टाइम्स -6, तो y की वैल्यू यहां पर क्या आ गई आपके पास, -6 आ गई। चेक कर लेते हैं, देखिए यहां पर हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, 3 इंटू -6 ये हो गया आपके पास -18, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, चेक हो गया। नेक्स्ट अपने बात करते हैं ई पार्ट की। यहां पर देखिए -7y इज इक्वल टू -28, सो यहां पर हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग बाय -7 बोथ साइड्स। ठीक है, तो यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, -7y/-7 इज इक्वल टू -28/-7, ये माइनस से माइनस कैंसल, 7 से 7 कैंसल, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, और y की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, y की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, इसको अपने चेक कर लेते हैं, तो यहां पर देखिए बात करते हैं लेफ्ट हैंड साइड की, -7/4, -7 × 4 -28, सो यहां पर आपका लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, नेक्स्ट अपने बात करते हैं एफ पार्ट की। तो यहां पर देखिए एफ पार्ट में ये डिवाइड में है, देखिए जब भी आपको एलिमिनेट करना है, प्लस की टर्म को एलिमिनेट करना है तो आप माइनस सब्ट्रैक्ट कीजिए, माइनस वाली टर्म को एलिमिनेट करना है तो ऐड कीजिए, मल्टीप्लाई वाली टर्म को एलिमिनेट करना है तो आपको डिवाइड करना है, जैसा कि अपने डी और ई में किया। अब यहां पर डिवाइड वाली टर्म को एलिमिनेट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाइंग by 3 both side। ठीक है, तो यहां पर देखिए क्या हो जाएगा आपके पास, x/3 × 3 एंड -2/3, ये 3 से 3 कैंसल, सो x इज इक्वल टू -6, और यहां से अपने इसको क्या कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं, देखिए वैल्यू पुट करते हैं,
-6 / 3, 3 2 = 6 एंड -2 इज योर आंसर। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, ये आपका चेक भी हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं जी की। अब वही चीज, आपका डिवाइड वाली टर्म को एलिमिनेट करनी है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 4 बोथ साइड्स। ठीक है, तो यहां पर आपके पास आ जाएगा y बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड 7 इंटू 4। ये 4 से 4 कैंसिल, तो y की वैल्यू हो गई आपके पास 28। इसको अपने चेक कर लेते हैं। देखिए y की वैल्यू पुट करते हैं 28 डिवाइड बाय 4, ये आपके पास हो गया 7। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, नेक्स्ट अपने बात करते हैं h पार्ट की। ठीक है, तो यहां से देखिए यहां पर आपके पास दो टर्म्स हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई में भी है, डिवाइड में भी है। तो सबसे पहले मैं डिवाइड वाली टर्म को क्या करता हूं, एलिमिनेट करता हूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई बाय 9 बोथ साइड्स। ठीक है, तो यहां पर आपके पास हो गया देखिए 8r बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 9, तो यहां पर हो गया 56 मल्टीप्लाई बाय 9। ठीक है, ये 9 से 9 कैंसिल और आपके पास आ गया 8r इज इक्वल टू 56 इंटू 9। अब यहां से देखिए हमें क्या करना है, ये मल्टीप्लाई वाली टर्म एलिमिनेट करनी है जो कि वेरिएबल के मल्टीप्लाई में, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड, डिवाइडिंग बाय 8 बोथ साइड। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा आपका 8r डिवाइड बाय 8, 56 डिवाइड बाय 8 एंड मल्टीप्लाई बाय 9। ठीक है, अब यहां पर आप बोलेंगे सर आपने मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, क्योंकि मुझे यहां पर दिख रहा है कि 56 है और मुझे इस 8 को एलिमिनेट करने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा, तो डिवाइड करने पर मुझे होता है 56 जो है 8 से कट हो जाएगा सिंपली। तो यहां से देखिए ये 8 से 8 कैंसिल, 8 वन जा 8, 8 सेवन जा 56, फाइनली आपके पास बचा क्या, आर इज इक्वल टू 7 इंटू 9 63। तो यहां पर आपके पास जो आंसर है आर का क्या है आपके पास 63, जो कि है आपका पार्ट एच। ठीक है, तो यहां से इसको चेक भी कर लेते हैं। देखिए है क्या आपके पास, देखिए 8r बाय 9। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं 8r बाय 9, सो 8 इंटू 63 डिवाइड बाय 9, 9 सेवन जा होता है आपके पास 63, 7 इंटू 8 होता है 56 और इक्वल टू आपके पास 56 आ रहा है। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स आई पार्ट। तो आई पार्ट में देखिए क्या है आपके पास, यहां पर 13p/3। सबसे पहले तो मैं क्या करता हूं, जो आपकी डिवाइड वाली टर्म है उसे मैं यहां पर रिमूव कर लेता हूं। ठीक है, तो यहां पर मैं क्या करता हूं, डिवाइडिंग बाय 13 बोथ साइड्स। ठीक है, तो यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, 13p डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय 13 और ये हो जाएगा आपका 52/13। ये 13 से 13 कैंसिल और यहां पर देखिए 13 फोर जो क्या होता है आपके पास 52 और आपके पास बचा क्या, p/3 इज इक्वल टू 4। अब ये डिवाइड वाली टर्म को एलिमिनेट करना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइंग बाय 3। ठीक है, तो यहां पर आपके पास क्या हो जाएगा, p/3 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड 4 इंटू 3, ये 3 से 3 कैंसिल, p इज इक्वल टू 4 इंटू 3 12। ठीक है, और इसका जो चेक है स्टूडेंट्स आपको अपने आप करना पड़ेगा, मैं सभी क्वेश्चन में आपको समझा चुका हूँ कैसे करना है। तो सिंपली इसी के साथ जो है आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। ठीक है, तो सोल्व द इक्वेशन यूजिंग सिस्टमेटिक मेथड, जो कि मेथड अपने अभी करते आए थे उसी मेथड का यूज करके आपको इसको सोल्व करना है।
बात करते हैं ए पार्ट की, तो यहाँ पर देखिए क्या है, 2x-6 + 16। ठीक है, अब सबसे पहले तो मुझे इस 6 को रिमूव करना है, तो मैं क्या करूंगा, एडिंग 6, है ना, बोथ साइड्स, तो 6 ऐड कर दूंगा, तो यहां पर आपके पास क्या हो जाएगा, देखिए 2x-6 + 6, और यहां पर हो जाएगा -16 + 6। तो ये देखिए क्या हो गया आपके पास, 2x = -10। ये 6 से 6 कैंसिल, माइनस का 16 प्लस का 6 आपके पास हो गया माइनस का 10। अब यहां पर देखिए आपको 2 रिमूव करना है, 2 एलिमिनेट करना है, सो यहां पर क्या करेंगे, डिवाइडिंग, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई में डिवाइडिंग बाय 2। तो यहां पर देखिए 2x/2 = -10/2, ये आपके पास हो गया x = -5। ठीक है, x आपके पास क्या हो गया, -5 हो गया, तो यहां पर -5 इज योर आंसर। तो सिंपली आपको ये इक्वेशन को सिर्फ सॉल्व करना है, यहां पर इसको आपको चेक नहीं करना है। ठीक है, बात करते हैं अपने पार्ट बी की, तो बी पार्ट में देखिए -14 = 2y + 4। अब यहां पर देखिए सबसे पहले इस 4 को एलिमिनेट करना है, तो मैं क्या करूंगा, सब्ट्रैक्टिंग 4। ठीक है, बोथ साइड्स, तो यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, -14 - 4 = 2y + 4 - 4। ये -4 से -4 कैंसिल हो गया, -14 - 4, ये हो गया आपके पास -18 = 2y। अब इस 2 को एलिमिनेट करना है, तो मैं क्या करूंगा, डिवाइडिंग, डिवाइड बाय 2। ठीक है, क्या किया, डिवाइड बाय 2 कर दिया, तो यहां से आपके पास हो गया -18 / 2 एंड 2y / 2। तो आपके पास जो आंसर है ये आ गया y = -9, एंड -9 इज योर आंसर स्टूडेंट्स। बात करते हैं पार्ट सी की, तो सी में देखिए 9y - 4 है। अब इस -4 को पहले एलिमिनेट करना है, तो क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 9y - 4 + 4, और यहां पर हो गया 23 + 4। तो यहां से देखिए -4 से +4 कैंसल, सो 9y = 27। अब इस 9 को एलिमिनेट करना है, तो क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, बोथ साइड्स, 9 से हम क्या करेंगे, दोनों साइड डिवाइड कर देंगे, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, देखिए 9y/9 = 27/9। ये 9 से 9 कैंसल, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, ये 9 से ये 9 कैंसल, तो यहां से y = 3 इज योर आंसर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अपने बात करते हैं डी पार्ट की, ठीक है, तो डी पार्ट है आपका 5p-7। देखिए ऊपर लिख लेते हैं, 5p-7 = -2। सबसे पहले तो -7 रिमूव करना है, तो क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, तो ये आपके पास हो गया 5p-7 + 7 = -2 + 7। तो 5p-7 से +7 कैंसल, -2 + 5, ये हो गया आपके पास +5। ठीक है, अब ये 5 रिमूव करना है, तो डिवाइडिंग बोथ साइड। ठीक है, तो यहां पर आपको 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, 5p/5 एंड 5/5, तो 5 से 5 कैंसल, ये 5 से 5 कैंसल, तो p = 1, दिस इज योर आंसर स्टूडेंट्स। ठीक है, p की वैल्यू यहां पर आपके पास क्या आ रही है, 1 आ रही है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं देखिए e पार्ट की, तो e पार्ट के अंदर सिंपली यहां पर आपको दिख रहा है कि ये -7/2 को रिमूव करना है, तो हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे।
ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, 4x -7/2 +7/2 इज इक्वल टू 1/2 +7/2। ये 7/2 से ये 7/2 कैंसल, आपके पास आ गया 4x इज इक्वल टू, एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा आपके पास 2, 1 + 7। ठीक है, सो 4x इज इक्वल टू 8/2, ये होता है आपके पास 4। तो फाइनली आपके पास क्या आ गया, 4x इज इक्वल टू 4। अब ये आपको x x के साथ में जो 4 है इसे एलिमिनेट करना है, तो हम क्या कर देंगे, डिवाइडिंग बाय 4 बोथ साइड, है ना। तो यहां पर देखिए आपके पास क्या हो जाएगा, 4x डिवाइड बाय 4 एंड 4 डिवाइड बाय 4, ये 4 से ये 4 कैंसर, ये 4 से ये 4 कैंसर, सो x इज इक्वल टू 1 इज योर आंसर। और ये जो x की वैल्यूज आ रही हैं, ये आप इन इक्वेशन में पुट करके आप अपना आंसर जो है चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां से जो आपका आंसर है पार्ट ई का, वो आपके पास क्या आ गया स्टूडेंट्स, 1 आ गया। नेक्स्ट अपने बात करते हैं एफ पार्ट की। तो यहां पर देखिए 6z + 6 इज इक्वल टू -12, ये 6 एलिमिनेट करना है, प्लस का है तो हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट 6, ठीक है, बोथ साइड्स, ये हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये हो जाएगा 6z + 6 -6 इज इक्वल टू -12 एंड -6, तो +6 से -6 कैंसिल, यहां पर बचा 6z, माइनस का 12 माइनस का 6, ये हो गया माइनस का 18। अब क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 6 को, ठीक है, तो यहां पर आपके पास हो जाएगा 6z/6 इज इक्वल टू -18/6, सो 6 वन जा 6 ये कैंसिल हो गया, और 6 थ्री जा अब तो है 18, तो z इज इक्वल टू -3 इज योर आंसर राइट। ठीक है, सिंपली करना क्या है, आपको बस ध्यान रखना है कि जो वेरिएबल है, वेरिएबल की वैल्यू हमें चाहिए, तो वेरिएबल के अलावा जितनी वैल्यूज हैं उसको हम एलिमिनेट करना है, प्लस वाली टर्म्स को एलिमिनेट करना है तो माइनस करेंगे, माइनस वाली को करना है तो प्लस, मल्टीप्लाई वाले टर्म को एलिमिनेट करना है तो डिवाइड करेंगे, और डिवाइड वाली टर्म को एलिमिनेट करना है तो मल्टीप्लाई। नेक्स्ट अपने बात करते हैं जी की। तो ये देखिए क्या है, -4z - 7 इज इक्वल टू -9, सबसे पहले -7 एलिमिनेट करना है तो ऐड कर देंगे, ठीक है, तो यहां से देखिए -4z - 7 + 7 इज इक्वल टू -9 + 7, तो यहां पर देखिए आपके पास क्या हो गया, -4z + 7 से -7 कैंसिल हो गया, माइनस का 9 + 7 ये हो गया -2। अब आपको ये 4 एलिमिनेट करना है, तो क्या करेंगे, डिवाइड बाय -4 बोथ साइड, ये आपके पास क्या हो जाएगा, -4z / -4, ये हो गया -2/-4, ये -4 से -4 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और जेड की जो वैल्यू है आपके पास यहां पर आ गई स्टूडेंट्स 1/2, एंड दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट अपने बात करते हैं एच पार्ट की। ठीक है, तो एच पार्ट में देखिए 10 - 3x इज इक्वल टू 5, तो यहां से आपको 10 रिमूव करना है, तो यहां पर 10 प्लस का है तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, तो यहां पर 10 - 10 ये हो गया -3x इज इक्वल टू 5 - 10, ठीक है, ये 10 से 10 कैंसिल, यहां पर बचा -3x इज इक्वल टू -5, +5 - 10 आपके पास आ जाएगा -5। अब यहां से देखिए -3 रिमूव करना है, ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाय -3 बोथ साइड, ठीक है, दोनों तरफ ही करना है क्योंकि इक्वेशन को हमें क्या करना है, इक्वल रखना है, बैलेंस रखना है, तो यहां से देखिए -3 से डिवाइड करेंगे तो -3/x एंड सॉरी -3x/-3 एंड -5/-3, ये -3 से -3 कैंसिल, ये माइनस से माइनस कैंसिल,
तो यहां पर देखिए x इज इक्वल टू 5/3 इज योर आंसर फ्रेंड्स। अब ये सबसे पहले तो आप देखेंगे एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन को आप मिक्स नंबर के अंदर कन्वर्ट कीजिए, उसका आंसर क्या आ रहा है वो आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिखिए। नेक्स्ट देखिए बात करते हैं अपने आई पार्ट की, तो यहां पर देखिए 4 रिमूव करना है, सिंपली सब्ट्रैक्ट कर देंगे 4, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 3y + 4 - 4 इज इक्वल टू -5 - 4। ये माइनस का 4 सॉरी प्लस 4 - 4 कैंसल, -5 एंड -4 हो गया -9, सो 3y इज इक्वल टू -9, सो y इज इक्वल टू सॉरी तो 3y इज इक्वल टू -9 हो गया। अब ये आपको 3 रिमूव करना है, तो हम क्या करेंगे डिवाइड बाय 3 बोथ साइड, ठीक है, तो यहां से देखिए 3y/3 इज इक्वल टू -9/3, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, आपके पास आया y विच इज इक्वल टू 3 3 9 -3, सो i का जो आंसर है आपके पास क्या आ रहा है -3 आ रहा है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं स्टूडेंट्स j पार्ट की, ठीक है, तो यहां पर देखिए क्या है 2r/5 - 1 इज इक्वल टू 3, तो यहां से सबसे पहले तो हमें क्या करना है रिमूव -1, तो क्या कर देंगे एड 1 बोथ साइड्स, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 2r/5 - 1 + 1 इज इक्वल टू 3 + 1, तो यहां पर देखिए आपके पास क्या हो जाएगा 2r/5, ठीक है, -1 से +1 कैंसिल हो गया, यहां पर हो गया आपके पास 4। अब आपको क्या करना है ये 2 रिमूव करना है जो कि मल्टीप्लाई में, तो डिवाइड कर देंगे 2 से, डिवाइडिंग 2 बोथ साइड, ठीक है, ये हमें क्या करना है डिवाइड करना है, तो ये हो जाएगा 2r/5 × 1/2 इज इक्वल टू 4/2, ये 2 से 2 कैंसिल, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, और आपके पास यहां पर क्या आ गया r/5 = 2। अब ये 5 रिमूव करना है जो कि डिवाइड में है, तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय 5 बोथ साइड्स, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा r/5 × 5 = 2 × 5, ये 5 से 5 कैंसिल और r की वैल्यू आपके पास हो गई 2 × 5 = 10, एंड दिस इज योर आंसर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिए अपने बात करते हैं k पार्ट की, ठीक है, तो यहां पर देखिए क्या है x के पास में आपको ये दिख रहा है डिवाइड वाला -5, बस ये रिमूव करना है, डिवाइड में तो हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाय -5, तो देखिए क्या हो जाएगा x/-5 × -5 3/10 × -5, ये माइनस से माइनस कैंसल, 5 1 जा 5 5 2 जा 10, ठीक है, ये माइनस का माइनस रहेगा, तो यहां पर देखिए आपके पास आ गया x और -3 × 1 ये हो जाएगा आपके पास -3/2, ठीक है, और आंसर आपके पास क्या आ गया -3/2। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स एल पार्ट जो कि आपके क्वेश्चन नंबर 3rd का लास्ट पार्ट है, तो यहां पर देखिए क्या है सबसे पहले तो 17 एलिमिनेट करना है, तो 17 एलिमिनेट अपने कर देते हैं, कैसे करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा -x/3 + 17 - 17 इज इक्वल टू -4 - 17, ठीक है, तो यहां से देखिए
माइनस एक्स बाई थ्री प्लस 17 से माइनस 17 कैंसल, आपके पास बचेगा यहाँ पर माइनस 4 एंड माइनस 17, ये हो गया माइनस का 21। अब ये 3 एलिमिनेट करना है तो सिंपली क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू माइनस 21 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, तो यहां पर देखिए माइनस एक्स, ये 3 से 3 कैंसिल, इज इक्वल टू माइनस 21 इंटू 3 होता है आपके पास माइनस का 63। अब क्या ये आंसर हो गया? नहीं, क्योंकि हमें एक्स की वैल्यू चाहिए होती है, पॉजिटिव वैल्यू चाहिए होती है, तो सिंपली हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 बोथ साइड्स। तो यहां पर आपके पास देखिए क्या हो जाएगा, माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 माइनस 63 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1, तो ये हो जाएगा आपके पास एक्स इज इक्वल टू 63 एंड दिस इज योर आंसर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी हो चुका है स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन हैं इजी बट थोड़े से आपके क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा हैं और लेंथी हैं। ठीक है, थीके? तो इसमें कोई भी ज़्यादा टफ वर्क नहीं है, सिंपली आपको एक बार समझ में आ गया कि कोई एडिशन वाली टर्म्स एलिमिनेट करनी है तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सब्ट्रैक्शन वाली टर्म एलिमिनेट करनी है तो एडिशन कर दीजिए, मल्टीप्लाई वाली टर्म एलिमिनेट करनी है तो डिवाइड कर दीजिए, और डिवाइड वाली टर्म एलिमिनेट करनी है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो सिंपली ये क्वेश्चन आपके होते जाएंगे। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है। अभी तक वीडियो में अगर आप बने हुए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है, और साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, ताकि क्या है कि अपना जो चैनल है और ग्रो करेगा। मैं जल्द से जल्द और आपके लिए वीडियो जो है लाता रहूँगा। आपको किसी कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम आती है तो देखिए, किसी भी कॉन्सेप्ट में आपकी बुक के अंदर, ऐसा सिर्फ क्वेश्चंस नहीं, आपको समझ में आ रहा है सर डेसिमल समझ में नहीं आता, ये डेसिमल का एडिशन कैसे करें, फ्रैक्शंस कैसे एडिशन कैसे करें, ये सब अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। इनके लिए मैं एक स्पेशल वीडियोस बनाऊंगा जिसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट का एक्सप्लेनेशन होगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4, फिल इन द ब्लैंक्स। अब यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं, सिंपली आपको यहाँ पर एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, बिल्कुल वही अपना मेथड यूज करते हुए अपने इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है, अब मुझे सबसे पहले यहाँ पर एलिमिनेट करना है 3। ठीक है, मल्टीप्लाई में तो मैं क्या करूँगा, डिवाइड बाय 3। ठीक है, सो डिवाइड बाय 3 करूँगा तो यहाँ पर आपके पास आ गया 3x बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय 3। ठीक है, इज इक्वल टू 9 बाय 3, ये 3 से 3 कैंसिल, 3 बन जा 3, 3 3 जा 9, आपके पास आ गया x बाय 4 इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पर 4 एलिमिनेट करना है तो मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई बाय 4, तो यहाँ पर x बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 3 इंटू 4, ये 4 से 4 कैंसिल, x इज इक्वल टू 12 एंड 12 इज योर आंसर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हम पुट कर देते हैं 12। नेक्स्ट बात करते हैं बी पार्ट की। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये 5 एलिमिनेट करना है तो हम, ये प्लस का है तो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट 5। ठीक है, बोथ साइड, तो ये आप लिख सकते हैं बोथ साइड, तो ये आपके पास हो गया प्लस 5 माइनस 5 माइनस 7y इज इक्वल टू 12। ठीक है, तो यहाँ से ये माइनस 5 से प्लस 5 कैंसिल हो गया, आपके पास बचा माइनस 7y इज इक्वल टू 12। सिंपली यहाँ पर आपको y की वैल्यू फाइंड करनी है तो मैं क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा, डिवाइड बाय माइनस 7। ठीक है, तो डिवाइड करने पर माइनस 7y डिवाइड बाय माइनस 7 इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाई माइनस 7, ये माइनस 7 से माइनस 7 कैंसिल और y की वैल्यू आपके पास आ गई 12 बाय माइनस 7। सॉरी, यहां पर देखिए क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। देखिए 5 हमने सब्ट्रैक्ट सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में कर दिया, देखिए ये भी जरूरी था आपको समझने के लिए कि सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड करने पर आपका क्वेश्चन जो है गलत हो जाएगा, तो यहाँ पर भी हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करने पर माइनस 7y इज इक्वल टू 7। अब ये 7 एलिमिनेट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय
सॉरी माइनस सेवन, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस सेवन वाई डिवाइड बाई माइनस सेवन एंड सेवन बाई माइनस सेवन, तो यहाँ पर आपके पास वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स, माइनस वन आ जाएगी, एंड दिस इज योर आंसर स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं सी पार्ट की। इफ 13x-7 इज इक्वल टू 6 देन फाइंड द एक्स। तो सिंपली माइनस सेवन है तो हम ऐड कर देंगे, है ना, तो इसको कर देते हैं अपने ऐड। सो ये माइनस सेवन से प्लस सेवन कैंसिल, 6 + 7 13। सो 13x इज इक्वल टू 13। अब ये 13 एलिमिनेट करना है तो डिवाइड कर देंगे 13 से, तो ये आपके पास क्या हो गया 13x डिवाइड बाय 13 एंड 13 बाय 13, तो x इज इक्वल टू 1 इज योर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं डी पार्ट की। तो डी पार्ट में देखिए 3y-5 -5 है, इसको एलिमिनेट करना है, तो इसको एलिमिनेट करने के लिए हमें करना पड़ेगा ऐड 5 को, ठीक है जी। तो ये होगा देखिए 3y-5 + 5 इज इक्वल टू 10 + 5, ऐड किया, तो यहाँ पर देखिए 3y इज इक्वल टू 15, 10 + 5 15। अब ये 3 एलिमिनेट करना है तो डिवाइड कर देंगे, तो देखिए 3y/3 एंड 15/3, 3 से 3 कैंसल, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 एंड y इज इक्वल टू 15, सॉरी y इज इक्वल टू 5, है ना, 15 तो कट हो गया 3 के टेबल से, तो यहां पर y की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई। नेक्स्ट देखिए अपने बात करते हैं ई पार्ट की। सबसे पहले ये -2 एलिमिनेट करना है, तो -2 एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड कर देंगे यहाँ पर 2, -2, ठीक है, ऐड 2 बोथ साइड्स, तो यहाँ पर आपके पास हो गया -3x-2 + 2 इज इक्वल टू 2x + 2, ये -2 से -2 कैंसिल हो गया, आपके पास आ गया -3x इज इक्वल टू 2x + 2, ठीक है। अब यहां से सिंपली देखिए आपको ये 2x रिमूव करना है, तो हम क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट 2x बोथ साइड, तो यहां पे आपके पास हो गया -3x - 2x, ये हो गया 2x - 2x + 2, ये -2x से 2x कैंसिल, -3x और -2x हो गया आपके पास माइनस का 5x इज इक्वल टू 2। अब -5 रिमूव करना है तो क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, डिवाइड बाय -5 बोथ साइड, ठीक है। तो यहां से देखिए आपके पास क्या हो गया -5x/-5 इज इक्वल टू 2/-5, ये -5 से -5 कैंसिल और x की वैल्यू आपके पास आ गई -2/5 एंड दिस इज योर आंसर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट फाइनली क्वेश्चन एफ, ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, साथ ही आपकी एक्सरसाइज 4.2 का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद आपकी एक्सरसाइज में कोई भी क्वेश्चन नहीं रह जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है अपने 4.3 करेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को अपने खत्म करते हैं। तो सिंपली यहां पर 30 प्लस का है, यहां पर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यहां से देखिए 30 - 30 - 4y इज इक्वल टू -34, तो प्लस का 30 - 30 कैंसिल, आपके बचा -4y इज इक्वल टू -34, और यहां पर देखिए ये भी माइनस का 30 हो जाएगा,
सो माइनस का 34 एंड माइनस का 30, ये हो गया माइनस का 64। नाउ ये माइनस 4 रिमूव करना है तो क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाय माइनस 4 बोथ साइड। तो माइनस 4y डिवाइड बाय माइनस 4 इज इक्वल टू 64 डिवाइड बाय माइनस 4। ये माइनस 4 से माइनस 4 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 वन जा 4, 4 वन जा 4 माइनस करने पर 2, 4 सिक्स जा 24 एंड y इज इक्वल टू 16 इज योर आंसर। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स आपकी जो एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।